आदाब जहां बना। आदाब बीरबल जी, कहिए कैसे आना हुआ? अगले महीने होने वाले सालाना जलसे के बारे में आपसे कुछ चर्चा करनी थी। इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे बीरबल जी, इस वक्त हम बेहद परेशान हैं। दरअसल हमारी माँ के गुजर जाने के बाद जिन्होंने हमें अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, आज उनके बेटे और हमारे भाई आदम बेहद खराब वक्त से गुजर रहे हैं। हम उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान हैं। जहां बना, मुझे उनके बारे में पूरी खबर है। अपनी बुरी आदतों की वजह से वे सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। आदतें सुधारी भी जा सकती हैं बीरबल जी, उनके सारे कर्जे उतारने का आदेश दे दीजिए और उन्हें हमारे पास लेकर आइए, हम मिलना चाहते हैं उनसे। जहांपना, आपके भाई आदम जी आपसे मिलने आए हैं। हो आदम, कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूं शहंशाह, मुझे खुशी है आप मुझे भूले नहीं। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, तुम भाई हो मेरे, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। हमें जैसे ही तुम्हारी तंग हालत के बारे में पता चला तो हमने तुम्हारे सारे कर्जे चुकाने के लिए कह दिया, और साथ ही हम तुम्हें आज और इसी वक्त से राज्य का महामंत्री बनाते हैं। शुक्रिया शहंशाह, मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए जहांपना, अब मेरे दुकान पर आपका स्वागत है। ये देखिए जहांपना, ये गुड़ देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है हुजूर, जुबान पर रखते ही घुल जाएगा। मगर इस पर तो चींटियां लगी हुई हैं व्यापारी। हुजूर, ये चींटियां होना तो गुड़ के बेहद मीठा होने का प्रमाण है। आदम, तुम्हारा क्या ख्याल है, सालाना जलसे में बनने वाले पकवानों के लिए क्या ये गुड़ खरीदा जाए? जरूर जहांपना, मैं व्यापारी के बात से सहमत हूँ, ये चींटियां गुड़ के बेहद मीठे होने का प्रमाण ही है, हमें ये खरीद लेना चाहिए। और आपका क्या विचार है बीरबल जी? हुजूर, मीठा चाहे कम हो या ज्यादा, चींटियां उस पर आ ही जाती हैं और अपने साथ धूल मिट्टी और गंदगी भी लाती हैं। जरूरत से ज्यादा चींटियों का गुड़ पर होना सेहत के लिए सही नहीं, हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए जहांपना। आपने सही कहा बीरबल जी, व्यापारी अगली बार हमें तुम्हारे गुड़ पर चींटियां नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिली तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी, मैं ध्यान रखूंगा हुजूर। जहांपना, सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद न्याय ये कहता है कि गाय पर केवल प्यारे लाल जी का अधिकार है, भूरे लाल का नहीं। सही कहा आपने बीरबल, तो सुन लिया आप लोगों ने, न्याय हो चुका, गायें प्यारे लाल की हैं। अगले फरियादी को भेजिए। बादशाह अकबर अपनी हर समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल से ही पूछते हैं। बीरबल जी ने अपनी बुद्धि से उनकी जिंदगी आसान बना रखी है। मुझे भी बीरबल जैसा व्यक्ति चाहिए। जहांपना इस वक्त अकेले हैं, यही सही मौका है इनसे अपनी बात कहने का। जहांपना, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे भाई, तुम्हें अपनी बात कहने के लिए हमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ कहना है बेखौफ होकर कहो। जहांपना, वो आपने मुझे महामंत्री तो बना दिया, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से मैं महल के सभी मसलों पर ध्यान नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, और वैसे भी जो भी मसला तुम्हें परेशान करेगा
बीरबल उसे हल कर देंगे। जहाँपना, अगर अपने मसलों को मैं खुद ही सुलझाता हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मगर ऐसा तभी हो पाएगा हुजूर जब आप मुझे भी बीरबल जी जैसा ही कोई सलाहकार दिलवा देंगे जो उन्हीं के जैसा समझदार हो। समझदार क्या, बल्कि ऐसा लगे जहाँपना जैसे वो उनके ही भाई हैं। ठीक है आदम, तुम खाना खाओ, हम जल्द ही तुम्हारे लिए एक ऐसा सलाहकार ढूंढ कर लाएंगे जो बीरबल जैसा ही होगा। आपने मुझे याद किया जहाँपना। हाँ बीरबल, हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। हुक्म कीजिए जहाँपना। बीरबल जी, आदम की ख्वाहिश है कि हम उसे बिल्कुल आप जैसा एक सलाहकार ढूंढ कर दें जो आप ही की तरह समझदार हो, और वो तभी मुंह खोले जब उसे बोलने के लिए कहा जाए। बस यूं समझ लीजिए, उन्हें उनकी संगत में ऐसा महसूस हो कि जैसे वो आप ही के भाई हैं। हुजूर, हमारे दरबार में ऐसे कई चतुर दरबारी मौजूद हैं जो समझदार होने के साथ साथ राज्य के कार्य की जानकारी भी रखते हैं, जैसे सुखदेव जी, खुदा बख्श जी। क्यों ना आप उनमें से किसी को आदम जी का सलाहकार नियुक्त कर दें। बेशक वो समझदार हैं बीरबल जी, लेकिन वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आदम हमारे भाई हैं, उनकी माँ ने हम में और उनमें कभी कोई फर्क नहीं किया, इसलिए हम भी कोई फर्क नहीं कर सकते। अब आपको तो हम उन्हें दे नहीं पाएंगे, मगर आप जैसा कोई सलाहकार उन्हें देकर हम उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकते हैं। लेकिन जहाँपना, हम कुछ नहीं सुनना चाहते बीरबल जी। आपको जल्द से जल्द किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो हर लिहाज से आपका भाई लगना ही चाहिए। ये कौन सी नई मुश्किल में डाल दिया जहाँपना ने। अब मैं अपने जैसा व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। जहाँपना, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने आदम जी के लिए एक सलाहकार ढूंढ लिया है। वाह बीरबल जी, आपने तो एक ही दिन में मसला सुलझा दिया। हम भी उस शख्स से मिलने को बेताब हैं जो आप ही की तरह समझदार और बुद्धिमान है। चलिए। कहाँ है वो सलाहकार बीरबल जी जो बिल्कुल आप ही के जैसा है। वो रहा हुजूर। ये क्या है बीरबल जी, आपने तो कहा था कि आप अपने साथ कोई अपने जैसा सलाहकार लाए हैं, पर ये बैल, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है बीरबल जी। आप गलत ना समझे जहाँपना, असल में ये मेरा ही भाई है जो आदम जी के लिए उत्तम सलाहकार साबित होगा। क्या, ये क्या मजाक है बीरबल जी, ये बैल आपका भाई कैसे हो सकता है। ये मजाक नहीं है जहाँपना, सच है, ये बैल मेरा भाई ही है। बचपन में हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया था, उस नाते ये मेरा भाई हुआ। आदम जी के लिए इससे अच्छा सलाहकार और कोई हो ही नहीं सकता। मेरा ये भाई उतने ही धैर्य से आपके भाई आदम जी की बातें सुनेगा जितने धैर्य से मैं आपकी बातें सुनता हूँ। ओ बीरबल जी, तो इस बार हमें अपनी गलती समझाने के लिए आपको बैल को अपना भाई बनाना पड़ा। हमें समझना चाहिए था कि जिस तरह हम जैसे सिर्फ हम हैं, आदम हम जैसा नहीं हो सकता, उसी तरह आप जैसे सिर्फ आप ही हो सकते हैं, आपका कोई भाई नहीं। तो इसीलिए अब हम आदम खान के लिए सुखदेव जी को उनका सलाहकार नियुक्त कर देंगे। जहाँपना, आप तो समझ गए, लेकिन अब मैं अपने भाई को क्या समझाऊं? अपने भाई से कहिए कि हमारे पास पहले से ही एक उम्दा सलाहकार मौजूद है जो लाखों में एक है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। धन्यवाद जहाँपना।